करेंगे वो है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो 1816 में कैली साहब ने मैट्रिक्स को दिया, उनका एक स्टूडेंट थे हैमिल्टन, जो इस मैट्रिक्स को फास्ट कर दिया। क्योंकि तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो टीचर होते हैं ना उससे स्टूडेंट ज्यादा तेज होता है, क्योंकि टीचर का बात सारा बात सुन लेता है, स्टूडेंट अपनी सारी बात बताता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को मैट्रिसेस का क्या इम्पोर्टेंट है यह जानना तुमको जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस का अगर हम बात करें तो दिस डेज मैट्रिसेस जो है से प्ले इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स एंड जो है से इन अदर सब्जेक्ट मैट्रिक्स है वेरी वाइड एप्लीकेशन इज, जैसे आगे चल के ऑपरेशनल रिसर्च में, आपका प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बायोलॉजी के जेनेटिक्स में एंड सोशियोलॉजी में, ETC में आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैट्रिक्स है क्या, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर एक राम जी हैं, दूसरा लक्ष्मण जी हैं, और यहाँ भरत जी हैं, और यहाँ शत्रुघ्न जी। सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब इसमें मार्क्स मान ली कि आया 80, 70, 80, 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
और 80, 90, 70, 40, 28 and 89। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 8, 70, 80 और यहाँ पर 70, 50, 60 और 80, 90, 70 and 40, 28, 89 इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यह तुम्हारे पास क्या है ना कि इसको हम लोग रो कहते हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ऐसे ऐसे कॉलम होगा, यानी चार रो हो गया, तीन कॉलम हो गया। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कॉल्ड रो एंड कॉलम रेस्पेक्टिवली। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो होता है और वर्टिकल लाइन कॉलम होता है, और इसको m इंटू n के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे सोचो कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो m इंटू n, ये नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करता है, ये नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करता है। तो अगर हम लोग को 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पर 7, 3, 2, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हो, इसको तुम बिग ब्रैकेट से भी लिख सकते हो, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 3, 2 और इसको डबल ब्रैकेट करके भी लिख सकते हो। तो जैसे मन करेगा वैसे लिख सकते हो, लेकिन वेरी गुड जो होगा वह आपका ही होगा। ये तुम्हारे पास ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब तुम्हारे पास यहां पर इंडिकेट करना है कि कितना रो है और कितना कॉलम है। यह बात को देखो, इसमें एक रो, दो रो, तीन रो, अर्थात यहां पर तीन रो है, तीन कॉलम है, यानी रो बराबर 3 और कॉलम बराबर भी 3 होता है। तो रो और कॉलम यहां पर तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसे तुम्हें करना होगा, तब तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है ना, तुम्हारे पास है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। तो इसमें प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, यह बात को तुमको देखना यह है कि इसमें तुमको ऑर्डर पूछेगा, तो गिन लो 1, 2, 3, यानी 3 ऑर्डर, और कॉलम पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, यानी
यह ऑर्डर तुम्हारे पास हो गया, तुमसे एलिमेंट पूछेगा तो 3 चौका 12 एलिमेंट हुआ। अब रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो इसका नाम A11 है, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम है, इसका नाम पहला रो दूसरा कॉलम है, इसका नाम पहला रो तीसरा कॉलम है, इसका नाम पहला रो आपका चौथा कॉलम है। यानी आपको इंडिकेट करता है कि नामांकन अगर ए आई जे है, इसका मतलब यह हुआ कि आई रो है और जे कॉलम है। किताब की हम बात करेंगे तो अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन होगा कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन कैन हैव व्हाट इज द इट हैज द 13 एलिमेंट। अगर किसी के पास 24 एलिमेंट तो मैट्रिक्स उसका कितना बन सकता है, यह तुम्हारे पास प्रश्न है। 24 है तो यह 24 है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 × 24 हो सकता है, 24 × 1 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है, 12 × 2 हो सकता है, 3 × 8 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है और 6 × 4 हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी ढंग से अगर 13 है तो 13 में 1 × 13 13 × 1 इस ढंग से तुमको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कहा है वह 18 और 5 पर कहा है। तो अगर यहाँ पर ये 18 है ये 5 है तो 18 को 1 × 18 18 × 1 2 × 9 9 × 2 3 × 6 6 × 3 और 5 को लिख सकते हो 1 × 5 5 × 1। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बुक में डिफरेंट डिफरेंट दिया है जिसे तुमको मुजवानी अब करना होगा। द नंबर ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग द 7 एलिमेंट तो 1 × 7 7 × 1 यानी 2 होगा। द नंबर ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग द 6 एलिमेंट तो 1 × 6 6 × 1 2 × 3 3 × 2 यानी यहां पर 4 होगा। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग दैट इट है 5 एलिमेंट है तो 1 × 5 5 × 1 8 एलिमेंट है तो 1 × 8 8 × 1 2 × 4 4 × 2 और 24 है तो अभी 24 को कर ही दिए थे, 13 एलिमेंट भी कर दिए थे, 18 एलिमेंट भी कर दिए थे। अब तुम्हारे पास जो है अब मैट्रिक्स का हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 2 × 2 मैट्रिक्स का। अगर कोई कंस्ट्रक्ट करने के कह रहा है कि 2 × 2 मैट्रिक्स का, इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। इस चीज को पहले बात को समझिए, यानी A11 A12 21 22। अब इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन की मैं बात कहेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट करना है तो जो भी कंस्ट्रक्ट करेगा, जैसे अगर मान ली कि यहां पर लिखा हुआ है कि aij इक्वल टू i प्लस j बाय 2, यानी i और j को जोड़ के भाग दे देना है तो इससे मैट्रिक्स बनाइए। 1 1 कितना हो गया 2, 2 बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 1 कितना हो गया 3, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 1 3 यहां 3 बटे 2, 2 2 4 और 4 बटे 2 करेंगे तो 2 होगा। इसी ढंग से अगर यहां पर मैं दे दूं ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2 तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पर 1 है और ये 2 है तो 2 1 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, यानी 9 बटे 2। अगर यहां पर 2 है तो 2 2 4 1 5 5 5 6 25 25 बटे 2, यहां पर 2 है 2 4 है 4 4 को 16 यहां 8 हो जाएगा, यहां पर 2 है और 2 2 4 हुआ और 2 6 6 6 का स्क्वायर 36 यहां पर 18। तो इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर ये 3 × 4 कहता तो 3 को रो लेना होता, यानी A11 A12 A13 A14 कॉलम इतना है तो यहां पर 21 22 23 24 यहां पर 31 32 33 और 34 ये होता और इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन कहता उस पर कर लेते। तो इसके एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप लोग बना लेंगे, अगर नहीं बनता है तो इस पर कमेंट करेंगे फिर इस पर हम लोग करेंगे। क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यह दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसकी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल पर आपको करके दिखाता हूं कि अगर यहां पर एक मैट्रिक्स है 2 3 1 0
और बी भी मैट्रिक्स है 2310 तब तो इक्वल है, लेकिन एक 2310 है और यहां पर लिखा हुआ है 3210, तो देखो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे पास एनसीईआरटी किताब का या किसी भी बुक का, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसे तुमको इक्वल को इक्वेट करना होगा, यानी यह दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उसका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। यानी अगर A12 का वैल्यू जो रहेगा इधर B12 का भी वैल्यू सेम होना चाहिए, जो A13 का वैल्यू रहेगा इधर भी B13 का वैल्यू सेम होना चाहिए, A14 का वैल्यू जो रहेगा इधर भी जो है BA14 का वैल्यू सेम होना चाहिए। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात हुई। इससे भी क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास टेक्निकल है जिसे तुमको जानना जरूरी है, ये बहुत बार जेई मेन में क्वेश्चन पूछ चुका है। वह क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास कि x का क्या वैल्यू होगा, तो देखो यहां पर 3x+7 5 और y+1 और 2-3x यहां पर तुम्हारे पास 0 है और y-2 और यहां पर 8 है 4 है। तो इससे x का देखो दो जगह वेरिएबल है यहां पर, तो यह x का वैल्यू अगर इसका निकालोगे तो 3x+7=0 यानी x -7/3 और यहां पर हल करोगे तो 2x-3=4 है, तो यहां पर -3x=2 हो जाएगा, तो x=2-3। x वेरिएबल है तो इसका दो आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए नॉट पॉसिबल होगा। तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स का अगर नाम लिया जाए तो उसका कितना टाइप होता है यह बहुत जानना बहुत जरूरी है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला तुम्हारे पास आया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और दूसरा हुआ रियल मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें डेटा कम से कम एक इमेजिनरी है, तो यह देखो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जिसमें ऑल डेटा रियल हो वह रियल मैट्रिक्स होगा। अब तुम्हारे पास क्या है कि यही मैट्रिक्स का टाइप हुआ, तो एक आया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं हुआ, इसमें आपस में इक्वल हो जाए। यानी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स पूछ रहा है कि m बराबर n होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा जैसे 2-3-5-6, 1-3-2-4, देखो इसमें रो कम है कॉलम ज्यादा है, यहां पर 2-3-5-6-7-8-9-3। तो इसमें तुम देखो कि जो है आपका कॉल रो ज्यादा है और ये कम है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अगर इसका एक ही वो रो होगा तो रो मैट्रिक्स बनेगा, यानी रो मैट्रिक्स में कह सकते हैं कि एक रो हो और कॉलम एक से अधिक हो, और कॉलम मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं कि एक कॉलम हो और रो जो है एक से अधिक हो। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि ये सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है, माने जिसमें एक रो है और एक कॉलम है, यानी सच है कि उसमें एलिमेंट एक है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप इसी ढंग से होता है। पोस्ट करो मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि आपको ये आपस में रो और कॉलम आपस में बराबर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म को, स्क्वायर मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए आई जे नॉट इक्वल जीरो होगा जब i बराबर j होगा। जैसे ध्यान दीजिए ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब तुम्हारे पास इस डायगोनल मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ए आई जे नॉट इक्वल जीरो होगा जो i बराबर जीरो, या यहां पर ऐसे डाल दो कि ए आई जे जीरो होगा जब i नॉट इक्वल जीरो।
और ए आई जे के होगा जब आई बराबर जे होगा, यानी के माने कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर टू, तो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स होगा ही, टू जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो टू होना चाहिए, यानी स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। देखो ए टू है, यानी यहाँ पर फाइव अगर स्टार्ट हुआ तो जीरो फाइव जीरो 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 फाइव, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और स्केलर मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म को ये के का वैल्यू जब वन हो जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे इसको आइडेंटिटी वन कहेंगे, इसको आइडेंटिटी टू कहेंगे, इसको आइडेंटिटी आपका थ्री कहेंगे। ये आई वन हो गया, ये आई टू हो गया, ये आई थ्री। अब तुम्हारे पास एक जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स में तुम्हारे पास क्या होगा कि सब डेटा उसमें जीरो होता है, तो यह जीरो मैट्रिक्स है। यानी जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारा डेटा जीरो होता है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि डेटा को भरना होता है, जैसे थ्री इंटू थ्री डेटा को भरना है, तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, और यहां टू वन, टू टू, टू थ्री, यहां थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। अब यहां पर जीरो वन को एंट्री मारना है, तो जीरो वन को एंट्री मारना है, तो इसको भी दो ढंग से, यहां भी दो ढंग से, यहां भी दो ढंग से, यानी दो के पावर आपका नाइन हो गया, यानी आंसर 512 हो गया। ये वीडियो देखने से आपका एक्सरसाइज जो है मैट्रिसेस का 3.1 एक्सरसाइज बन जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।